शॉर्ट सेलिंग सेबी का एक नया सर्कुलर आया है जिसमें लोग इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग को सेबी ने बैन कर दिया एक्चुअली नेकेड शॉर्ट सेलिंग को बैन किया है और वो भी आज नहीं नेकेड शॉर्ट सेलिंग जहां पे आप एक पोजीशन लेते हैं एक वॉल्यूम पे स्टॉक को उठाते हैं उसको शॉर्ट करते जाते हैं एंड विदाउट एनी काउंटर पोजिशन ट इज बैंड और वो भी दो हज़ार सात आठ से बैंड है इनफैक्ट दो हज़ार एक और आठ के बीच में शॉर्ट सेलिंग को एज अ कॉन्सेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बैन कर दिया गया था और दो हजार आठ में शॉर्ट सेलिंग को वापस से अलाउ कर दिया गया था लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग को तब से अलाउ नहीं किया गया है आज की तारीख में भी पिछले कुछ सालों से नेकेड शॉर्ट सेलिंग इज नॉट अलाउड इन इंडियन इक्विटी मार्केट हावए एक या दो चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं जो कि नई है और ये वीडियो में उन्हीं स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ये देखेंगे कि आपके ऊपर एक रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाला है या नहीं लेट्स गेट स्टार्ट तो दोस्तों हम सबसे पहले ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट पता है देखिए शॉर्ट सेलिंग इंडिया में ही नहीं बहन नेकेड शॉर्ट सेलिंग अमेरिका यूके ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया साउथ कोरिया में तो पूरा का पूरा शॉर्ट सेलिंग एज ए कॉन्सेप्ट आज भी जून 2024 तक बैन कर दिया गया है वहां पे आप शॉर्टिंग कर ही नहीं सकते स्टॉक्स में तो दोस्तों इस को समझने के लिए 2008 में चलते हैं जहां पे उस समय के एफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास एक अच्छा खासा क्लाइंट बेस हुआ करता था इस क्लाइंट बेस के पास इंडियन इक्विटीज की होल्डिंग हुआ करती थी ये पूरा का पूरा अकाउंट इन एफ के हाथ में दे देते थे कहते थे हमें प्रॉफिट कमा के दो ये एफ इस इंडियन इक्विटीज के साथ उनसे पार्टिसिपेटरी नोट लिया करते

क्यों ले रहे हैं मतलब यू हैव टू गिव अ रीजन व्हाई आर यू शॉर्टिंग अ पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक एंड इन व्हाट क्वांटिटी और चीज एक रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर के ऊपर भी होती है हालांकि रिटेल का ट्रेडर अपनी पोजिशन क्यों ले रहा है वो एंड ऑफ डे तक बता सकता है लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जो बाहर के एफ आई इंडिया के डी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनको अपनी पोजिशन जो शॉर्टिंग के लिए ली जा रही है शॉर्ट सेलिंग के लिए वो बतानी पड़ेगी एज इट इज वेन दे गेट इन टू दैट पोजिशन दैट इज ओनली मेजर थिंग जो कि इस नए सर्कुलर में एड हुई है अब स्मॉल एड ऑन के चक्कर में ब्रोकर्स का काम बड़ा है और साथ में एक्सचेंजेस का भी ब्रोकर्स को मेक शो करना पड़ेगा कि जो रेगुलेटरी नोट्स या जो एडिशनल नोट्स कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या डे ट्रेडर्स बता रहे हैं कि उनकी शॉर्टिंग क्यों है रीजन क्या है उसका वो सारी की सारी डिटेल्स अलॉन्ग विथ दी पोजिशन डिटेल्स उनको एक्सचेंज में बिफोर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे सबमिट करनी पड़ेंगी दैट इज़ वन थिंग दे हैव टू डू और अगर नहीं करते तो एक्सचेंज उनके ऊपर पेनल्टी लगाएगा मतलब ब्रोकर के ऊपर पेनल्टी लगने का एक और जरिया से बी ने तय कर दिया है और एट द सेम टाइम एक्सचेंज को भी ये डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा और हफ्ते में एक दिन रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए और पब्लिक के लिए वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना होगा कि फला स्टॉक में ये पर्टिकुलर बड़ी बड़ी कंपनी इतने स्टॉक्स के साथ इस रीजन के साथ स्टॉक में

इसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिस्प्ले की जाएगी एंड स्पेशली उस कंपनी के प्रोमोटर को भी पता लग जाएगा उस कंपनी के साथ उसकी कंपनी के स्टॉक्स के साथ कौन बड़ी बड़ी क्वांटिटी में छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है दैट इज़ वन बिग डील दैट हैज़ बीन एडिटेड इसका मतलब यही है तो आपको यह भी बता दूं कि यह सिर्फ इंडिया में नहीं ये बाहर भी चल रहा है फॉर एग्जांपल चाइना में शॉर्ट सेलिंग अलाउड है लेकिन वहां पे इतना कंप्लायंस है रेगुलेशन में कि आप प्रॉफिट बना ही नहीं सकते क्योंकि आपको लेट से 100 परसेंट मार्जिन अप्रन रखना पड़ेगा इस केस में काउंटर पोजिशन लेने के लिए साउथ कोरिया इन्होंने जून दो तक शॉर्ट सेलिंग को एज ए कॉन्सेप्ट बैन कर रखा है नेकेड एंड नो नेकेड बहुत टूगेदर इसमें हुआ यह भी था कि दो बैंक और बीएनपी परिबस के ऊपर बीस मिलियन डॉलर सेलिंग का और उसके बाद इन्होंने शॉर्ट सेलिंग के को बैन कर दिया था अमेरिका में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसएससी ने ये चीज सेम एज इट इज कर रखी है जो इंडिया आप कर रहा है कि आपको रेगुलेटरी नोट्स में आपको बताना पड़ेगा कि आप व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं एक तरीके से आने वाले खतरे से खुद को तैयार रखने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनीज को सेबी उनके लिए एक फायर वॉल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है दैट यू नाउ नो हु इज योर एनिमी सो दैट अगली बार अदानी के पीछे या किसी बड़ी कंपनी इंडिया की कंपनी के पीछे कोई बाहर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपने पहले पार्टिसिपेट इन्वर्स हुआ करते थे आप तो सीधा ही शॉर्ट पोजिशन लेके आते हैं हालांकि उनकी होल्डिंग बड़े बड़े क्लाइंट्स की होती है बड़ा बी द केस जिस तरीके से भी यू मार्केट में गिराने की कोशिश में आते हैं तो उनका नाम उनके सामने पहले से ही एक्सपोज होगा एंड दैट इज दोस्तों दी ओवरऑल सर्कुलर दैट यू नीड टू नो आपको कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि रिटेल ट्रेडर के लिए जो मार्केट में पहले से चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा इंस्टीट्यूशन को पहले भी नेकेट और सेलिंग अलाउड नहीं था आज भी नहीं है उनको पहले भी डे ट्रेडिंग अलाउड नहीं था आज भी नहीं है तो उनका कारण या उनकी ट्रेडिंग के कारण कोई वॉल्यूम पर इंपैक्ट होने वाला है कुछ इस पर्टिकुलर सर्कुल के कारण तो नहीं होगा सो बाकी का सर्कुल डिटेल्स आई एल अच इन द वीडियो आप खुद से पढ़ सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट uh, या दो तीन सर्कुलर है कि दो में भी आया था 2023 में आया था और ये नया अपडेट आया है तीनों के तीन सर्कुलर्स आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं फॉर योर ओन रीडिंग बट दिस इज वेरी मच एंड एंड होपफुल आपको इस न्यूज से कुछ सीखने को मिला हो कोशिश की है आपको सिंपल तरीके से समझाने की एंड होपफुली अगर आप सीख गए हैं तो डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी की बिजनेस की दुनिया की भाषा को सिंपल तरीके से समझने के लिए अ डिजिटल ब्लॉगर इज देयर फॉर यू थैंक यू सो मच अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे बाय